हेलो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सुरेंद्र फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी यूनिक टिप्स जो आपको एक खास सिंगर बनाएंगे, एक यूनिक सिंगर बनाएंगे। तो अगर इन चीज़ों को, इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरा मानना है कि आपको 100% इसका बेनिफिट मिलेगा। और आप इनको फॉलो करिएगा, फिर आप कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा कि हाँ मुझे इसका बेनिफिट मिला या नहीं मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जब आप गाना सुनते हैं, किसी भी सिंगर का जब आप गाना सुनते हैं, तो जो गाना सुनते हैं उस गाने में जो मुर्कियाँ होती हैं, कहाँ पे सांस लेना है, कहाँ पे क्या गाने पे क्या वर्ड हैं, कैसे वर्डों को बोला गया है, तो जब आप एक गाने को सुनते हैं ना, तो इन बारीकियों को आप ध्यान में रखें कि कहाँ पर किस वर्ड को कैसे तरीके से बोला गया है। तो आपको इन सारी चीज़ों में आपको बहुत बारीकियों से ध्यान देना चाहिए कि आपको जो गाना बजा है उसमें क्या क्या बारीकियाँ हैं। और लोग बारीकियाँ ही देखते नहीं, एक सिंगर बारीकियाँ देखता है कि कहाँ पर कैसे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ पर सांस लेनी, कहाँ पर रुकना है ना। तो इन सारी चीज़ों को इससे पता चल जाता है कि हम गाने में कहाँ पर वर्ड को कैसे फील दें। और दूसरा, जैसे कि जो दूसरा पॉइंट है उसमें, अगर आप किसी एक सिंगर का गाना सुनते हैं, मेरा कहने का मतलब किसी एक सिंगर को फॉलो करते हैं, जो सिंगर आपको बहुत बेस्ट है, आपको उसके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप अगर एक ही सिंगर को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप उसकी चीज़ों को उनकी काफ़ी चीज़ों को आप अपने अंदर उसके गाते गाते आप उनकी काफ़ी चीज़ें आपके अंदर हो जाते हैं, फिर आप एक अलग सिंगर, एक यूनिक सिंगर नहीं बन पाएंगे। फिर आपकी हो जाएगी ना आपकी मिमिक्री, कि आप उस सिंगर की एक मिमिक्री, क्योंकि आप गाते गाते फिर आप उसी की आवाज़ आपको मिलने लगती है, फिर आप उसी की आवाज़ में गाने लगते हैं। तो यानी इसे एक सिंगर नहीं कहते, फिर आप एक मिमिक्री आर्टिस्ट हो जाएंगे। तो आपको एक सिंगर फॉलो नहीं करना, आपको सारे सिंगर जो भी जितने गाने हैं, आप कई तरह के गाने सुने, जैसे गाने भी सुने, गज़ल भी सुने। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी एक पार्टिकुलर सिंगर को फॉलो ना करें। और तीसरा पॉइंट है ये है कि आप थोड़ा सा रिजोनिंग टाइम निकाल के, थोड़ा सा अपना वक्त निकाल कर रियाज ज़रूर करें, क्योंकि रियाज से ये होता है कि जैसे आप गाना तो गा रहे हैं तो गाने से प्रैक्टिस तो हो रही है, आप गाना गा रहे हैं आपकी प्रैक्टिस हो रही है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ गाने में जो हमें एक्स्ट्रा मुर्कियाँ लेनी पड़ती हैं या हमें कहीं आलाप लेना पड़ता है, तो उन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं कि हम हारमोनियम पे ही, रियाज से ही वो चीज़ें जान पाते हैं कि कहाँ पर हमें कैसे करना चाहिए, जिससे और हमारा गाना बेटर हो सके, हम एक यूनिक सिंगर बन सके, लोगों से हटकर बन सके। तो नेक्स्ट चौथा पॉइंट जो हमारा है कि जब आप गाना गाते हैं तो हर गाने की एक स्केल होती है, जैसे आप किसी के सिंगर का गाना गा रहे हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर स्केल होगी, तो अगर आप उसके कंफर्ट जोन में यानी उस स्केल में नहीं गा पा रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप उसी की स्केल में गाएं, आप अपने कंफर्ट जोन में गाइए। आपकी स्केल क्या है, आप अपनी स्केल के अकॉर्डिंग गाने को चुनें फिर उसको, या फिर अगर आपकी स्केल से ज़्यादा वो गाना है तो आप उस गाने की स्केल कम कर लें। यानी कहने का मतलब, अगर आपका गला इतना रेंज अफर्ड नहीं कर पा रहा तो आप अपने गले को, ये नहीं कि आप उसी स्केल में गाएं फिर आप अपने गले को थोड़ा सा प्रॉब्लम दें, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करने से आपके गले में स्ट्रेस भी आ जाती है, जिससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है सिंगर। तो आपको किसी भी सिंगर या किसी भी गाने को अगर आप उस कंफर्ट जोन में नहीं गा पा रहे हैं, तो उस स्केल में नहीं गा पा रहे हैं, तो आप उसे गाने की ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि ऐसा करने से फिर प्रॉब्लम हो जाती है गले में, तो ये भी होता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यानी पांचवा पॉइंट ये है कि जैसे अगर हम जैसे गाना गाते हैं, तो जो गाना गा रहे हैं उस गाने में अपना खुद का एक अंदाज, जैसे कि हर कोई जब सिंगर गाना गाता है तो हर एक सिंगर के गाने में एक नया अंदाज होता है जो उस सिंगर को एक यूनिक बनाता है। हर किसी के गाने का तरीका, जो अंदाज होता है, वो सबका अलग अलग होता है, और वही अंदाज आपको यूनिक बनाएगा। तो इसलिए जब आप गाने को गाएं तो आप अपने अंदाज में गाएं, आप अपने अंदाज में गाएं, उस अंदाज को जब आप गाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी गाने को गाया और किसी भी सिंगर का आपने गाना ले लिया, उसी के तरीके से गा दिया, तो आप तो कॉपी कर लिए, फिर आपका मतलब क्या हुआ, आप में उसमें क्या फ़र्क रह गया। यानी आप उस गाने को अपने अंदाज में गाएंगे तो लोग को पसंद आएगा, अच्छा ये एक यूनिक है,
एक ऐसा अंदाज जो लोगों ने नया लगा, अच्छा ये ऐसा भी हो सकता था, है ना। कहने का मेरे मतलब है कि आप जब किसी गाने को गाएं तो एक अपना नया अंदाज, एक नया फील, एक अपने अपने तरीके से उस गाने को गाएं। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा छठा पॉइंट है, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम गाना गाते हैं, मान लीजिए किसी गाने की रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उस गाने की जो रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं उसकी लिरिक्स जो हमें होती है ना, वो लिरिक्स हमें याद होनी चाहिए। अगर हमें लिरिक्स जब याद होती ना तो हम गाने में फील अच्छा दे पाते हैं, वरना अनदर जैसे कि हमारे पास हमें रिकॉर्डिंग करनी है और हमारे सामने गाना लिखा रखा हुआ है, फिर तो गाने को हम फिर वो फील नहीं दे पाएंगे, जो एक नया अंदाज होगा उस अंदाज में उसको हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, यानी उस पर कंफर्टेबल हमें फील नहीं होगा। हम कितनी भी कोशिश करेंगे, अगर हमें वर्ड नहीं याद है तो मैं हम क्या करेंगे कि उस जब गाते गाते म्यूजिक के बीच में फिर लिरिक्स भूल जाएंगे, है ना, या फिर कहीं पे जो मोमेंट होना जो और बेटर गाता वो बेटर हम ना दे पाते, वो फील ना दे पाते, है ना। तो इसलिए जो लास्ट पॉइंट है यानी गाने के लिरिक्स हमें याद होनी चाहिए। अगर गाने के लिरिक्स आपको कंफर्टेबल बहुत अच्छे तरीके से याद है तो आपको उस गाने में ना फील और कहाँ पर क्या देना है, किस अंदाज में देना है, तो ये सब आपको अपने आप आपका माइंड कैलकुलेशन करता रहता है और फिर आपका गाना बेटर हो जाता है। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको दी, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, फिर आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये टिप्स फ़ायदा की या नहीं की। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।